गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और हैप्पी करवा चौथ सभी को। तो आपने करवा चौथ की प्रिपरेशन तो कर ही ली होगी, बट अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की थी। थोड़ा सा ये लेट हो गया है वीडियो, लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूंगी। तो नेक्स्ट क्लिप आप देखना बिल्कुल मत भूलना, और अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आज का जो लुक है मेरा, वो मैं पूरा आपको एक वीडियो दिखा दूंगी, और उससे पहले अगर देखना हो तो इंस्टाग्राम पे रील जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी वैक्स करना, और सबसे पहले वैक्स मैं करूँगी पैरों पर, क्योंकि पैरों पे मुझे हॉट वैक्स कराने में बहुत पेन होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ये ट्राई किया जाए। बहुत मैं इसके ऐड देख रही थी, काफ़ी अच्छा लोगों ने इसके रिव्यू दिए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई किया जाए। इसका नाम शायद कैमल मिल्क पाउडर है। तो ये पूरा क्या है इसका, मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी डाल दूंगी, तो वो आप देख लेना। और ये काफ़ी स्मेल कर रहा था, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी एक तो। और इसमें मैंने यूज़ किया है रोज़ वाटर। ये रोज़ वाटर मैंने खुद घर में बनाया है, बॉटल एक्चुअली मार्केट वाली है, लेकिन इसमें बनाया हमने खुद है। और मैंने थोड़ा सा दूध भी लिया था इसमें। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पैरों पे, पूरे पैरों पे लगा लिए जितने मुझे चाहिए थे। ऑब्वियसली बात है, इतने ही सबको चाहिए होते हैं, और इससे ज़्यादा ऊपर कौन नहीं लगाता है, कौन ही वैक्स करवाता है। और मैंने ये हैंड पे भी लगा लिया है अच्छे से, लेकिन मैंने ये गलती कर दी कि दोनों ही चीज़ें मैंने एक साथ कर लिया, और पैर वाला जो है मैंने फिर छुटा लिया था। मतलब इसको छुटाना क्या, इसको ना हल्के वेट वाले टिश्यू से, मतलब कोई कपड़ा भी ले सकते हो आप, उससे फिर आप इसको रब करना और अच्छे से, तो निकल जाएगा। हैंड से मेरे निकल गया है, पैरों पे अभी नहीं निकला, क्योंकि आपने देखा था कि मैंने दोबारा से भी उसको लगाया है। पैरों पे थोड़ा सा एक जगह रह गया था, तो मैंने उसको दोबारा से लगाया था, ख़त्म हो गया था पाउडर। तो अभी हैंड जो है मेरे बहुत सॉफ्ट हो गए, इतने सही लग रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने हॉट वाला जो वैक्स होता है वो करवाया है। और ये देखो थोड़े से पैरों में कहीं कहीं रह गया है, क्योंकि वो मैंने जल्दी छुटा दिया था, मतलब जल्दी रिमूव कर दिया था। तो ये प्लीज़ मेरे वॉइस ओवर पे मजाक मत बनाना, क्योंकि मैं ये आधी रात में बैठ के कर रही हूँ, तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बोल जा रही हूँ, मतलब जो अंदर की फीलिंग है बस वही निकल रही है। हाँ, तो फिर ये हमने पैरों पे लगा लिया है दोबारा से, और इसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्मेल करता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली गंदी स्मेल पसंद नहीं है तो शायद आप इसको अवॉइड करना, अदरवाइज ये बेस्ट है। मतलब सच में लिटरली, अगर जिसको हॉट वैक्स से थोड़ा पेन होता है या फिर कराना ही नहीं चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा है उनके लिए। अच्छे से आप लगा सकते हो, लगा के 5 से 7 मिनट के अंदर आपको वेट टिश्यू से रिमूव करना है। तो ऐसे मैंने ये हैंड, दोनों हैंड और लेग दोनों किया है, काफ़ी अच्छे हो गए हैं मेरे, स्मूथ हो गए हैं हाथ पैर दोनों। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लोशन थोड़ा सा, क्योंकि जब स्किन को थोड़ा सा रब किया है तो वो थोड़ी सी ना एकदम अजीब सी हो जाती है, तो आपको लोशन लगाना ज़रूरी है। तो आप अच्छे से मसाज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैमरा भी पकड़ी थी, तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। तो हाँ, मैंने यहाँ पे फिर मसाज कर लिया है हाथ पैरों दोनों में लगा के अच्छे से। तो अब मैं करने वाली हूँ खुद का फेशियल, और ये मुझे कुछ कोलैब में मिले थे, तो इस तरह का पाउचेस अभी मिला हुआ है। इसमें 3 या 4 स्टेप्स हैं D10 का, O3 D10 का। तो फर्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं क्या है। तो आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग का। तो आपको एकदम फेस क्लीन करना है इससे, जैसे आप फेस वॉश करते हो वैसे ही आपको इसको यूज़ करना है। सेकंड है मास्क, जो एक कोरियन मास्क जो आते हैं, ये उस तरह का मास्क है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला स्टेप जो है फेस क्लीन का, वो मैंने पैकेट खोल लिया है, और अच्छे से उसका मसाज करना है। मसाज मींस कि आपको थोड़ा सा पानी लेके अच्छे से फेस को वॉश करना है, जिस तरह से भी मैं कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी इसी तरह से करना। ओके, सो फर्स्ट स्टेप कर लिया है और स्किन काफी अच्छी लग रही है वॉश करने के बाद। तो अभी मैं सेकंड स्टेप करती हूँ। सेकंड स्टेप में कोरियन मास्क है, जिसमें ऑयल रहता है, थोड़ा सा सीरम रहता है, और
कुछ कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लेना। तो काफी अच्छा मास्क है ये भी, और कोरियन मास्क काफी रीजनेबल प्राइस में होते हैं, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं बिफोर मेकअप, या फिर किसी पार्टी में आपको जाना है कहीं पर, तो उससे पहले, मेकअप लगाने से पहले आप उस कोरियन मास्क को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ फेस बना आएगा मास्क के ऊपर, तो आपको पूरा मास्क अपने नोज पर, आईज पर, लिप्स पे, कुछ इस तरह से रखना है। मीन्स कि आपको अपनी आईज के ऊपर भी रखना है, और इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था ना, काफी अच्छा लग रहा था। तो मुझे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मैंने वीडियो जरूर बनाया है, और इसको मैं 15 से 20 मिनट्स के लिए फेस पर रखूंगी, और उसके बाद देखते हैं स्किन कितनी स्मूथ हो जाती है। 15-20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे इसे थोड़ा सा हटा के भी देखना है क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, तो देखती हूँ मैं अभी कैसा लगने वाला है मेरा फेस। तो मुझे ना थोड़ा सा आईज में इचिंग हो रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी अभी आईज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो डॉक्टर दिखाने भी जाना है। तो एक आंख में मुझे थोड़ा सा पेन है, जो थोड़ी छोटी भी हो गई है, और मैं थोड़ा ना वॉश करके भी आती हूँ, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो अभी मैं वॉश करने के बाद थर्ड स्टेप लेती हूँ, तो थर्ड स्टेप क्या था वो देखते हैं। थर्ड स्टेप में एक क्रीम मिलेगा, जिसका आपको बहुत ही अच्छे से प्यार मोहब्बत से अपने फेस पे लगा के मसाज करना है। और मैंने आपको थोड़ा सा क्लिप ना एकदम फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है, लेकिन ये मैंने एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए अपने फेस पर काफी अच्छे से मसाज किया है। एक एक जगह को मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, जहां जहां मुझे एक फेस पे जो कर्व चाहिए मैं सब मसाज किया है बहुत अच्छे से। इवन मैं जब फेस वॉश करती हूँ ना, तो ये सारे स्टेप मैं करती हूँ। मुझे फेस वॉश करने में टाइम लगता है, क्योंकि मेरी स्किन ना ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डल है, क्योंकि मेरे पिंपल्स निकलते रहते हैं, तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने फेस वॉश जब भी करती हूँ, तब मुझे 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं फेस वॉश करते हुए, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं स्टेप सारे लेती हूँ, मुझे मसाज करना होता है। तो अब चलो बारी आती है मेहंदी की, तो मैंने मेहंदी लगवाई है मार्केट में जाके, तो एक फिक्स है मेरे मेहंदी वाले भैया, तो हम उन्हीं से लगवाते हैं। और यहाँ एक सरप्राइज है मेहंदी में, आप देखते जाओ। वैसे तो आपको दिख रहा है कि ताजमहल बन रहा है, लेकिन ताजमहल के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इस वाले हैंड में मेरे को ताजमहल बना है, अब जो सेकंड वाला आप देख रहे हो वहां पे बिहारी जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान बने हैं, बनाना मुझे बिहारी जी था, लेकिन जल्दी जल्दी में अब कृष्ण भगवान उन्होंने बना दिए, और फिर जब एक बार कुछ लग गया तो फिर बिगाड़ नहीं सकते। तो मेरे सीधे हाथ में है आगरा ताजमहल, और उल्टे हाथ में है, मतलब लेफ्ट वाले हैंड में है बिहारी जी और कृष्ण भगवान, मतलब बिहारी जी का मंदिर है और कृष्ण भगवान है। तो ये मैंने बहुत ही सेलेक्ट करी, मतलब बहुत दिमाग लगा के, कि आगरा का लड़का और मथुरा की लड़की, तो इस तरह से मैंने दोनों चीजें अपने हैंड में बनवाया। और ये रात के बज रहे हैं 12:45, मतलब 12 बजे से मेरा व्रत था, लेकिन मैं 12:45 तक यहीं पर थी, और फिर घर जाके जल्दी जल्दी घपा घप मैंने खाना खाया है। तो अभी देखो क्या नजारा हो रखा है मार्केट का, मतलब सब जगह मेहंदी 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 हो रखी है। और करवा चौथ वाले दिन तो इवन, मतलब जिस दिन करवा चौथ स्टार्ट हो रहा था, उस दिन तो मार्केट का बहुत ही मजे वाला हाल था, कि मतलब देख के मजा आ गया था, कि सारे लोग हस्बैंड वाइफ सब यहीं पर थे, बच्चे तक उनके, इवन बच्चे भी वहीं पे बैठे हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, कि त्योहार की, मतलब त्योहार आता है तो इतनी सारी खुशियां लेकर आता है ना, तो वो देख के लग रहा था। तो अभी ये चल रही है सबकी पैम्परिंग की, मतलब हस्बैंड सबके लगे हुए हैं अपनी वाइफ को पैम्पर करने में। तो अब हम चल दिए हैं घर की तरफ, और घर जाके देखते हैं अब क्या होता है। सारी क्लिप्स
क्लिप देख ली है कि क्या क्या मैंने प्रिपरेशन करी थी, और नेक्स्ट टाइम आप लोग भी वैसे ही कर लेना, या मेरे से अगर कुछ रह गया हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग के